राम राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ विलेज पर। आज हम बनाने जा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो ये घर का जो खोया बनता है सर्दी में, बहुत ही पावरफुल होता है खोए के। जो आपको पता है यहाँ पे खोए की बर्फी बनाई जाती है गाँव में। और ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने ये है दूध, और ये टोटल दूध जो है 20 लीटर है। और यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल चूल्हा बना के और ये लकड़ी इसमें डाली गई है, ये ओरिजिनल तरीके से जो है खोया हमारा तैयार होगा। अब आप देख रहे हो कि इसमें 20 लीटर दूध डाल दिया है और ये जो दूध है ये गर्म हो रहा है। और ये जो बीच में इसको घुमाने का, ये मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, इसको ऐसे पकड़ के जो घुमा रहे हैं हमारे अंकल जी, तो इसका मतलब ये है भी जो दूध है वो नीचे चिपकना नहीं चाहिए। आपको दिखाएंगे सभी भाइयों को भी ये घर का ओरिजिनल खोया और उसके जो जो बर्फी आप हम जैसे भी कैसे बनती है, सारी की सारी मेकिंग आज आपको दिखाएंगे। हाँ, पिंडिया, पिंडिया बोलते हैं बागड़ी में, तो पिंडिया जो है वो कैसे बनते हैं पिंडिये बड़े बड़े, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और पंजाबी में पिनिया भी बोल देते हैं भी, पिनिया कैसे बनाई जाती है। तो ये खोया है बनने के लिए तैयार हो रहा है। और इसमें कितना टाइम लग जाएगा? लगभग 7-8 घंटे लग जाएंगे। देखो, अगर ओरिजिनल चीज़ बनानी हो ना तो 6-7 घंटे इसमें लगेंगे, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। आराम से धीरे धीरे नीचे आग जल रही है और ये आराम से उबल रहा है, और इसमें ये कंटिन्यू हमें हिलाना पड़ेगा कम से कम 6-7 घंटे जो टाइम है, 3 घंटे हो गए। और ये देखो इतना गाढ़ा हो चुका है ये, और बार बार फिर भी हम इसमें घुमाए जा रहे हैं। अभी तक ये दूध है जो इस तरह का जो शेप में आ गया है, गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल। और अभी ये आधे घंटे के अंदर जो है खोया आराम से तैयार हो जाएगा। और जो उसके बाद में इसमें क्या क्या पड़ता है, कैसे पूरा इसका सारा प्रोसेस जो है मैं बाद में दिखाऊंगा और साथ के साथ दिखा रहा हूँ। ये देखो इतना गाढ़ा हो चुका है अब, और ये 20 लीटर दूध था और सूख के जो है अभी ये इतना हो गया है, इसका खोया जो क्रीम जो है निकल चुकी है। और थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा, उसके बाद में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगा जाएगा आराम खुलो। ये अंकल जी बता रहे हैं कि आधा घंटा अभी तक और लगेगा इसमें। और इतनी मुश्किल से जो है इतना टेस्टी खोया जो बनाया जाता है, और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है ये। जो है पूरा खोया जो है निकल चुका है, ये देखो आप, इस तरह का कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो गया ये, लाइट ब्राउन है जो। और ये जो खोया है बिल्कुल रेडी है, और इसको हम उतारते हैं और बाकी जो आगे का जो भी प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। इस तरह का कलर हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार है ये खोया। 20 किलो दूध में से ये करीब 4-4.5 किलो जो है खोया निकला है, हाँ, जो गाय का दूध था, क्योंकि भैंस के दूध में ये निकल जाता है करीब 20 किलो में 5 किलो, और गाय के दूध में थोड़ा सा कम निकलता है, तो 4.5 से लेके 5.25 किलो के करीब निकल गया ये। अब इसको हम उतार देते हैं, और उतारने के बाद में जो प्रोसीजर है दिखाएंगे। और ये देखो, ये हमने उतार दिया है और ये बिल्कुल जो है तैयार है। अब जो जो इसमें पहले खोया हमने निकाला था वो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे दूसरे जो बर्तन में है हमने रख दिया है निकाल के, और ऊपर से कागज़ से ढक दिया है एक बार, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए ये जो आप देख रहे हो, ये अंकल जी जो हैं देसी घी इसमें डाल रहे हैं। ये है 1 किलो देसी घी, इसमें 1 किलो देसी घी डाल दिया गया है। और ऊपर से जो है कणक का आटा जो होता है वो, ये देखो ये कणक का आटा है। ये आटा कितना है? 1.5-2 किलो है। ये 1.5 से 2 किलो जो है कणक का आटा, बिल्कुल छना हुआ आटा जो है इसमें डालना है। सारा डाल दूं? ये देखो देसी घी के अंदर, ये अभी धुआं बहुत ज़्यादा है, देसी घी के अंदर जो 1.5 से 2 किलो आटा, कणक का आटा जो है वो हमने डाल दिया है। और बाकी आप ये देखो, अभी इसको भूनना पड़ेगा। इसको कितनी देर भूनना पड़ेगा? जब तक लाल हुआ, ये जब तक लाल कलर का ना हो जाएगा तब तक इसको भूनना पड़ेगा। और उसके बाद में मतलब उसको खोए में मिलाएंगे? खोए मिल जाओ, हाँ, तो उसके बाद में मैं आपको साथ के साथ दिखाता रहूँगा। अब वो खोया तो हमने 20 किलो जो दूध था उसका जो खोया निकाल लिया, और उसके बाद में ये जो कढ़ाई है, इसी कढ़ाई में जो हमने 1 किलो देसी घी और 1.5 किलो जो कणक का आटा जो बिल्कुल छना हुआ सफाई से, वो इसमें हम भून रहे हैं, और इसका जो कलर ब्राउन हो जाएगा पूरी तरह से, फिर हम उसके अंदर जो है मिलाएंगे। कलर देख रहे हो अभी, जो हमने आटा मतलब भूनने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में डाला था आटे में, और देसी घी जो भून रहे थे, ये देखो इस तरह का कलर जो है इसका हो गया है। अब ये भी जो है तैयार हो गया है। इसमें अब खोया जो हमने बाहर निकाला हुआ था पहले, वो हम मिक्स करेंगे। अंकल जी, अब खोया मिक्स करेंगे ना? हाँ जी। तो अब ये मिक्स करते हैं, तो ये रहा खोया,
और अब इसके अंदर जो है खोया डालते हैं। ये देखो सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं हम, आपको भी रखना चाहिए। और ये खोया जो है बढ़िया तरीके से ये देखो आप अंदर डाल रहे हैं अंकल जी, और ये देखो ये खोया जो है अंदर डाल दिया। अब इसको ऐसे मिक्स करना पड़ता है हमें। ये बहुत ही अच्छे तरीके से खोया जो है बन चुका है हमारा। और इसके अंदर जो हमने आटा और घी मिला के जो आटा तैयार किया था उसको खोए के अंदर कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है। तो अब अंकल जी इसको तैयार करेंगे। अंकल जी इसको अब कितनी देर यहाँ पे मिक्स कितनी देर करना पड़ेगा? 2 मिनट में हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर मान लो ये सारा का सारा जो है मिक्स हो जाएगा, मैश हो जाएगा। उसके बाद में मतलब चीनी बचेगी? चीनी बचेगी जो की नीचे उतार के कंप्यूटर गर्म रह जाएगा, खाने पड़ जाएगी। अब देखो इसके बाद में एक लास्ट चीज ये बचती है कि हमें 1.5 किलो चीनी है ना जो हमने पीस के पहले ही रख ली है, तो बिल्कुल बारीक उसको पीस लिया है, पाउडर बना लिया उस चीनी का। और वो चीनी इसको 5 मिनट के बाद हम नीचे उतार के और चीनी इसमें डाल देंगे। और इसके बाद में हम चाहे तो पिनियाँ बना लें, चाहे इसकी चक्कियाँ काट लें, वो हमारी मर्जी है। तो भाइयों ऐसा खोया जो है सर्दी में अपने बच्चों को खिलाओ और उनकी सेहत का जो है ध्यान रखो, क्योंकि पुराने बुजुर्ग थे तो उस टाइम जो ये खोया बहुत ज़्यादा यूज करते थे और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो अंकल जी इसमें ताकत कितनी होती है? ताकत बहुत है जी में, बहुत ताकत होती है। कितनी कितनी फिर भी मतलब एक इसमें एक तो घी हो गया, 1.5 किलो तो घी आ गया, 1.5 किलो घी आ गया, 20 किलो दूध आ गया। हाँ जी 20 किलो दूध का खोया आ गया, खोया आ गया 5 किलो तो खोया हो गया, 1.5 किलो घी हो गया, और बाकी आप देख लो इसकी दूध की जो है 20 किलो में इतना ही सामान निकला है। हाँ 4-4.5 किलो खोया निकल गया। तो देखो 7-8 किलो वजन हो गया, 7 किलो वजन, 7-8 किलो वजन है, 7 किलो वजन हो गया। और इसको मतलब खोया खा के अगर जिम जुम जाए हमारे भाई तो जाए तो जगह तो अच्छी बात है, और किसान भाई खेत जाए तो बस हरों बदिया है, खाओ कि खा के कमाओ यदि खास कह नहीं तो पच्चा भी कोई नहीं हो रहा है। देखो ये अंकल जी बता रहे हैं कि अगर खोया खाना है तो खोया खा के खेत में काम करो। जो किसान भाई है वो तो खेत में काम कर सकते हैं बढ़िया, क्योंकि ताकत आएगी पूरी। और जो हमारे वैसे भाई हैं जिनके पास मतलब जो खेत नहीं जा सकते, वो जो है वर्कआउट किया करो, एक्सरसाइज किया करो, और ये जो देसी खुराक है ये जो है खाया करो आप, क्योंकि इससे जो है हमें बढ़िया कोई भी चीज़ जो है बाजार में नहीं मिलेगी। जो आप बाज़ार से खोया लेके आते हो तो वो बिल्कुल भी उसमें है ना बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, और इस तरह का खोया कभी नहीं होता वो। तो अगर आपने पावरफुल चीज़ें सर्दियों में अपने बच्चों के लिए कुछ बनानी है तो जैसे खोया बना लिया, तो खोया जो है मेहनत ज़रूर लगती है। अभी करीब 3 बजे का टाइम हो गया, तो 6 घंटे अंकल जी ने जैसे बताया था भी 6 घंटे या 7 घंटे लगेंगे, तो 6 घंटे में हो चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम 2 बंदे जो हैं बार बार इसको ऐसे मतलब हिला रहे थे इसको पलटिए को भी, ताकि दूध चिपक ना जाए। उसके बाद में हमने आटा और जो घी है देसी उसको फिर वो बनाया आपको जो दिखाया था मैंने भी, और उसके बाद में इसको मैं खोया डाल दिया है। और अब देखो खोए को फिर वैसे ही मिक्स कर रहे हैं, तो लगातार कंटिन्यू 6-7 घंटे जो है आराम से इसमें लग जाते हैं। पर जो बाद में चीज़ निकल के आती है ना वो हमारे शरीर के लिए जो बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये कितने दिन ख़राब नहीं होता? और 1 महीने कौन खराब है, 2 महीना रखे रखो। और इसको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है? जरूरत कौन फ्रिज में रखने की। ये देखो 1 महीने अंकल जी बता रहे हैं भी 1 महीने तक ये जो घर का खोया बनाया हो वो खराब कभी नहीं होता, और कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती। चाहे आप फ्रिज में ना भी रखो तो भी ये जो है बड़ा ही टेस्टी जो खोया बन सकता है। और इसमें चीनी मिलाई जैसे हमने तो चीनी मिलाई इसमें, और जो होता है गुड़ भी मिलाया जा सकता है? गुड़ मिला लो नहीं, ये अंकल जी बता रहे हैं अगर चीनी की जगह अगर आप गुड़ भी मिलाना चाहो तो गुड़ भी जो है आप मिला सकते हो। घी का मिक्स करके गुड़ मिलेगा। अच्छा गुड़ मिलाना हो तो पहले मिक्स करना होगा? पहले गुड़ नया अलग हूँ गुड़ आटो मूंद लियो, सरों की मूंद लियो, इन बारा काट लियो, घी गा लिए 1-2 किलो गुड़ गाल गए, फिर मैंने जैन पूरा उकाल लिया, उबालो मार देना पक जाए गुड़ तैयार हो जाए, बाद में गुड़ मिला सके। देखो अगर गुड़ मिलाना हो तो अंकल जी ने बताया कि वो और ही बढ़िया चीज़ है सेहत के लिए, लेकिन जो ये चीनी से तैयार किया गया है ये भी आप देखो कितना पावरफुल जो है, यह सारा का सारा सिस्टम जो है देसी तरीके से बनाया गया है, और इसमें जो जान बहुत होती है। और अगर आप ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहो तो आप कर सकती हो, नहीं तो वो ऑप्शनल है। उसके अंदर अब मैंने वाइट ये जो देख रहे हो चीनी मिला दी है आपके भाई ने,
और अब इसके जो है चीनी को मिक्स करके और पेड़े जो है हम बनाएंगे, वो भी आपको पेड़े बना के दिखाएंगे। और अपने भाई की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली।